हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर अभी देखने को मिली और ये मेरे पिछले वीडियो से ही आगे कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो वह पाकिस्तान को होगा। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो जो शायद कल ही डला है, उस कल ही डले हुए वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने उसका एनालिसिस किया था और उसकी खबर आज के दिन आ गई है। यानी मेरा जो एनालिसिस था वो सही प्रूफ हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिंध प्रांत है, ये बलूचिस्तान प्रांत है, ये NWFP है, ये कश्मीर रीजन है और ये पंजाब बच जाएगा। बस ये पंजाब पाकिस्तान वाला हो जाएगा, ये सिंध होगा, ये बलोच होगा और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो, और ये वाला इलाका जो है वो कश्मीर है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे हालात में सारे के सारे पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर पंजाब और पंजाबी कम्युनिटी के जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है और कहीं ना कहीं बलोचों से पंजाबियों की खटपट रहती है, पंजाबियों की FATF वालों से, सिंधियों से और कश्मीरियों से, लगभग सभी से इनकी खटपट रहती है। इस सिचुएशन को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताया था और कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि लड़ाई के अंदर एंटर करे, और अगर वो लड़ाई के अंदर एंटर करेगा तो उसके हालात खराब हो सकते हैं। मैंने ये कल आपको एनालिसिस करके बताया था कि हालात खराब क्यों हो सकते हैं। आज उसका नेक्स्ट स्टेप, आज ही वो खबर आ गई कि एकदम से 15 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वेंट ऑन लीव। ऐसी सिचुएशन में वेंट ऑन लीव और वो एकदम से छुट्टी पर चले गए हैं। उस सिचुएशन में जब पूरा का पूरा पाकिस्तान युद्ध के नगाड़े बजा रहा हो, पड़ोस के अंदर युद्ध के नगाड़े बज रहे हो और किसी भी सिचुएशन के अंदर वो जो युद्ध है वो पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर 15 सीनियर ऑफिसर्स और वो भी कौन, सिंधी ऑफिसर्स जो थे, वो चुपचाप छुट्टी के ऊपर जा चुके हैं, ये खबर आ चुकी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, आप लोगों को मैंने बताया ये छोटी सी एक शुरुआत है पाकिस्तान के टुकड़े होने की। यहाँ से पाकिस्तान के टुकड़े होने की ये पहली शुरुआत, पहला नकाड़ा, पहली घंटी बज चुकी है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है और भारत से लड़ाई के मामले में सेना में फूट पड़ चुकी है। क्योंकि जो सेना POK के अंदर तैनात थी, जो सेना POK में तैनात थी, उस POK की सेना के 15 ऑफिसर्स लंबी छुट्टी पर चले जाएं और वो भी ऐसे टाइम पर जब ऑफिसर्स की छुट्टी कैंसिल कर रखी हो, ये चिंता का विषय है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दोस्तों, इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ऑफिसर्स के अंदर, भाई रीज़न इसका क्या होगा? रीज़न इसका ये है कि कहीं ना कहीं एथनिकली, कहीं ना कहीं प्रजातिवाद, कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं जो भाषाई विवाद हैं वो इन लोगों के अंदर पनप रहे थे, ज़्यादा थे। अब भाषाई विवाद ज़्यादा थे उन 15 अफसरों में, तो ऑब्वियस सी बात है वो विवाद जो थे ऐसे समय में खुलकर सामने आ गए। ऐसे समय में जब देश लड़ाई के मोर्चे पर डटा हुआ हो, जब किसी भी समय पर युद्ध का नकाड़ा बज सकता हो, जब किसी भी समय पर डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाए, ऐसे समय में सेना के बड़े अफसर, ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर एकदम से छुट्टी पर चले जाएं और इकट्ठे छुट्टी पर चले जाएं और एक ही क्षेत्र विशेष के, एक ही एरिया स्पेसिफिक के जो लोग हैं वो छुट्टी पर चले जाएं, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के लिए होती है, किसी भी कंट्री के लिए होती है। यहाँ पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर फंस चुका है। मे बी पॉसिबल अगला जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि NWFP के ऑफिसर्स बलोचों को तो वो लोग अपनी सेना में भर्ती करते नहीं हैं, ये पक्का है। सिंधियों की परसेंटेज भी बहुत ही कम रहती है, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि 90% जो पंजाब की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो पंजाबियों से बिलोंग करती है, ये फिक्स है। अगर 90% आर्मी पंजाबियों से बिलोंग करती है और उसका एक 10% ही सही, एक हिस्सा, सेना का एक हिस्सा जो कहीं ना कहीं सिंध से बिलोंग करता है और बाकी इलाकों से बिलोंग करता है, या तो वो अलग हो जाता है या फिर लड़ाई में शामिल नहीं होता है या फिर रिवोल्ट यानी विद्रोह कर देता है, ऐसे में ये देश जो है ये अपनी आंतरिक समस्याओं में घिर जाएगा। ऐसे में ये जो देश है ये अपनी आंतरिक समस्याओं में घिर जाएगा और जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि पांच टुकड़े होने के पूरे चांसेस यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ये पूरी व्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाएगी।
तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए, इस खबर को और ज़्यादा पकने देते हैं और ज़्यादा इसको इलैबोरेट होने देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इसको इलैबोरेटेड डिस्कशन की फॉर्म में पूरा रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।